एनडीए की बैठक हम लोग जानते हैं कभी नहीं हुई थी। जिस दिन इंडिया की बैठक बेंगलोर में थी उसी दिन एनडीए की बैठक बुला ली गई। और कौन पार्टी, आपको ध्यान है कौन कौन पार्टी आया था? 38 पार्टी का लिस्ट दे दिया, कह दिया गया। लिस्ट जारी हुआ क्या? और कितना पार्टी कहाँ है वो जानकारी है किसी को कौन पार्टी थी? तो जैसे ही इंडिया बनी उसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है उस दिन दिखाई पड़ गया। और जनता न मालिक है भाई, जो कौन आएगा नहीं आएगा जनता ने तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में मीटिंग, वो इस सही डायरेक्शन में जा रहा है। नीतीश कुमार साहब एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम देश भर में कर रहे हैं और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है 2025 तक काम करने का, वो जवाब नहीं उनके ऊपर है, वो काम वो करेंगे जो जनता ने। आगे क्या होगा वो भविष्य के कर्म में है, लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी देश में विपक्षी एकता का एक धुरी है और वही वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं है, कहा चुनाव लड़ने की बात होगी। अभी तो उनका काम है विपक्ष के सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के 2024 की तैयारी के लिए। आप सब साथ ही जानते हैं कि यही काम वो तो कर रहे हैं और उस काम में कितने सफल हुए हैं उसका रिजल्ट सामने में है कि पटना और बेंगलोर में जो मीटिंग हुई है और विपक्ष के लोगों को, जो एनडीए के लोग हैं उनको जाकर के पहली बार मीटिंग करना पड़ा एक। और सेकेंड, बिहार के जनता ने बिहार चलाने का मैंडेट दिया है, वो बिहार में गवर्नेंस को लेकर के, बिहार में अभी जो स्थिति है सुखार का, दिल्ली तो मॉनिटर करता है सुबह से शाम तक कि क्या हो सकता है, अभी वही काम है क्या हो सकता है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके 2024 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, उस काम में वो लगे हुए, आगे भी वही काम वो करेंगे। और जो बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है बिहार में काम करने का, जो उनके जिम्मे आज के डेट में है वो काम करेंगे। भविष्य की बात भविष्य के लिए। कितना दिन से बोल रहे हैं, कितने लोगों को लेके चले गए, जो लोग गए लगा कि उनके साथ कितने लोग चले जाएंगे, ये सब बात चलती रहती है। जदयू खुट्टा ठोक के बिहार में राजनीति करती है और नीतीश कुमार के चेहरे पर आज भी पूरे जो 13 करोड़ बिहार के लोग हैं नीतीश कुमार का चेहरा देख करके देश दुनिया में प्रतिष्ठा पाते हैं। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। देखिए, नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से कर ली है और इसको लेकर वो लगातार बयान भी देते नज़र आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भाजपा को 2024 में भारी मात देना है, किस तरीके से उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना है। और आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार की राह में कई नेता उनके साथ भी नज़र आ रहे हैं, जदयू हो या फिर RJD हो चाहे कांग्रेस हो, जितने भी नेता हैं वो नीतीश कुमार के समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जदयू के नेता संजय झा ने नीतीश कुमार के इस पहल को काफ़ी सराहनीय बताते हुए कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, पटना में पहले मीटिंग किए, फिर बेंगलोर में मीटिंग किया और अब मुंबई में जो मीटिंग होना है, ये नीतीश कुमार के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये जो कदम उठाया गया है कि किस तरीके से सभी विपक्षियों को एक जगह लाना है, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है अब भाजपा में बौखलाहट पैदा कर रही है कि वो सोच रहे हैं कि सारे विपक्षी एक हो गए हैं और ये एकता को देखकर कहीं ना कहीं भाजपा डर गई है। अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि अब हमारी हार होनी निश्चित है। लेकिन हम विपक्षियों को बता देना चाहते हैं कि अब अपनी जीत की नहीं बल्कि आप अपनी हार की तैयारियां कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार
अपनी राह पर निकल चुके हैं, सारे विपक्षियों को एकजुट कर रहे हैं और हम नीतीश कुमार के इस फैसले की काफ़ी सराहना भी करते हैं। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हमेशा से वो लोगों के लिए काम करते आए हैं और जहां तक बात रही है जनता की, तो जनता की भलाई के लिए ही वो सारा काम कर रहे हैं। तो जनता को हम बता देना चाहते हैं कि जो वादे नीतीश कुमार के द्वारा किए गए हैं वो 2024 या 2025 तक जरूर पूरा किया जाएगा, लेकिन जो ऐसे चीज़ है उसके लिए जनता को भी इंतजार करना होगा, थोड़ा सा वक्त देना होगा नीतीश कुमार को। रोज़गार की बात की गई है, रोज़गार ज़रूर मिलेगा। और जहां तक बात रही है बिहार के भविष्य की, तो बिहार का भविष्य भी संवर रहा है। पहले के अंतराल में देखिए तो किस तरीके से अब बिहार के लोग बेखौफ होके रातों में निकल रहे हैं, काम करने निकल रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है और तमाम मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने पहले भी अपनी बात रखी थी और लगातार वो बोलते भी नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षियों के द्वारा लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आने वाला है, तो उनको बता देना चाहते हैं कि बस भाजपा का काम रह गया है कि मुद्दे को छोड़कर अन्य बातों में सिर्फ कहीं ना कहीं लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बात करने की मणिपुर की, उन्होंने मणिपुर की बात नहीं की, जहां बात जिस मुद्दे को लेकर उठाना होता है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कभी आज तक केंद्र सरकार भाजपा जितने भी है उन्होंने कभी भी महंगाई पर बात नहीं की है, क्योंकि सिलेंडर हो या फिर जितने भी चीज़ें, जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, लोगों के हित के लिए जो काम करना चाहिए वो सब छोड़ कर ना, लेकिन जो अलूल जलूल की बातें हैं वो लगातार भाजपा उठाती है और लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन अब जितने भी इंडिया के लोग हैं, यानी पर विपक्षी दल जो है, जो 26 दल जितने भी एकजुट हुए हैं, उन्होंने कमर कस ली है, कमर कस के वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और भाजपा अब अपनी हार स्वीकार कर ले, नहीं तो उनको बहुत बुरा सामना जो है 2024 में करना पड़ेगा हार से। और जहां तक बात विपक्षी नीतीश कुमार को लेकर उठा रहे हैं कि वो अब कहीं से भी चुनाव लड़े, नालंदा से लड़े, यूपी के फूलपुर से लड़े, लेकिन उनकी जीत नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे यूपी से हो चाहे वो बिहार से हो, ये समर्थन कहीं ना कहीं भाजपा में एक डर पैदा कर रही है और एक बौखलाहट पैदा कर रही है और यही कारण है कि भाजपा लगातार अनाप शनाप बयान देते नजर आ रही है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से तैयारी कर रही है 2024 और 2025 को लेकर, क्या लगता है वो जीत हासिल करेगी या नहीं, या फिर जिस तरीके से भाजपा लगातार इस पर निशाना साधते दिख रही है, किसके हाथ में कुर्सी आखिर जाने वाली है 2024 के सत्ता की, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।